आज मैं आपको एक अनसक्सेसफुल लॉयर की एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको ये समझ आएगा कि जिंदगी में बहुत सारे फील्ड्स या बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनमें हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम फेल होने के लिए बने हैं। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और वो जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हमें होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपको गोदरेज की, जिस कंपनी को आज 124 साल हो गए हैं उसके शुरू होने की, बनने की, इसके फाउंडर की, अर्थ श्री गोदरेज जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। इसे सुनकर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हमें भी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि हम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों ने गोदरेज की अलमारी या उसके फर्नीचर को देखा या यूज किया है? वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो हर इंसान ने ही किया होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ब्रांड ही ऐसा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गोदरेज इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। गोदरेज की शुरुआत 1857 में अर्धशिव गोदरेज ने मुंबई में की थी, जहां पर नए स्टार्टअप्स कुछ साल में सरवाइव नहीं कर पाते। इस कंपनी को 124 साल हो गए हैं और आज भी इसका भरोसा जो का त्यों है। अर्धशिव गोदरेज ईस्ट अफ्रीका में लॉयर थे, लेकिन इनका इस प्रोफेशन से बहुत जल्दी मन भर गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉयर के प्रोफेशन में बहुत झूठ बोलना पड़ता है और वो ये नहीं कर पाएंगे। और वो एक अनसक्सेसफुल लॉयर थे और कुछ टाइम बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्हें ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, इसीलिए ये वापस इंडिया आ गए। इंडिया वापस आकर अर्धशिव ने सर्जिकल अप्लायंसेस जैसे ब्लेड, कैंची, ये सब बनाने की शुरुआत की, लेकिन वहां पर सवाल ये आ गया था कि अर्धशिव चाहते थे कि इस बनाए हुए सामान पर मेड इन इंडिया लिखा जाए, लेकिन जिस कंपनी से, जिस फॉरेन कंपनी से इनका टाइप था, वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सामान पर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा तो इसका बिकना मुश्किल हो जाएगा, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अर्धशिव अपनी जो इस सोच पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी टाइप तोड़ दिया और ये कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी ये हमेशा चाहते थे कि ये कोई बिजनेस करे। बीच में इन्होंने एक फार्मेसी की दुकान पर असिस्टेंट की भी नौकरी की, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक बार ये अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी चोरी की, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और ज्यादातर अमीर लोग मुंबई में रहते थे और वो भी मुंबई में रहते थे, तो उन्हें ज्यादा रिलेट कर पाए। और इस तरीके से उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी सेफ, एक ऐसी अलमारी बनाई जाए जो कि मजबूत हो। डायरेक्ट अलमारी के लिए काम करना आसान नहीं था, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जो इनका पहला प्रोडक्ट था वो कि ताले थे। तब तालों की ऐसे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था कि हर ताले की यूनिक की होगी। तब अर्धशिव ने सिर्फ तालों पर फोकस किया, जो मार्केट में इनके ताले आए उनकी गारंटी कार्ड दिए गए, ये अश्योरेंस दिया गया कि हर ताले की अपनी एक यूनिक की है, और इसीलिए ताला मार्केट में आते ही फेमस हो गया। ये इतना ज्यादा बिका कि ये जो अर्धशिव गोदरेज के लिए एक मास्टर स्ट्रॉक बन गया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सिक्योरिटी में ही अलमारी और सेफ बनाने की शुरुआत की, जो कि धीरे धीरे बहुत फेमस होते चले गए। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, उस आग में सब कुछ जला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सामान गोदरेज की अलमारी में रखा था वो यूं का यूं था, और वहाँ से गोदरेज को उड़ान मिली। तालों वाला अपना आइडिया चलने के बाद अर्शिव गोदरेज ने सोचा क्यों ना ही वो सिक्योरिटी में ही आगे कुछ करे, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अलमारी और सेफ बनाने की सोची। उस वक्त मुंबई में काफी अमीर लोग थे और उस वक्त का रिवाज यही था कि लोग पैसे और गहने अपने घरों में रखना पसंद करते थे, तो उनके लिए जो सेफ, अच्छी अलमारी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने पूरी रिसर्च की, इंजीनियर्स की पूरी टीम बिठाई जो कि इस अलमारी के लिए रिसर्च करे। 1902 में आई इस अलमारी ने ऐसी धूम मचाई कि ये आज तक भी फेमस है। आज तक भी अलमारी का गोदरेज की होना एक ब्रांड माना जाता है।
लेकिन अब खास बात ये है कि इन्होंने जो पहले बिजनेस की शुरुआत की थी, जो की थी सर्जिकल अप्लायंसेस बनाना और बाद में ये तालों बनाने की शुरुआत करना, ये दोनों इन्होंने अपने एक जानकार से पैसे उधार मांग के शुरुआत की थी। बाद में उनके कहने पर उनके एक रिश्तेदार को भी इन्होंने शामिल कर लिया जिसका नाम था बॉयसी। तो इसीलिए बाद में इनकी कंपनी का नाम बदलकर गोदरेज एंड बॉयसी हो गया। बाद में जो बॉयसी थे वो कंपनी छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने कंपनी का नाम नहीं बदला जो कि आज तक भी गोदरेज एंड बॉयसी ही है। उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी और इंडिया में ये बहुत ज्यादा कहे जाने लगा था कि इंडिया में ही सामान बनाया जाए और वही खरीदा जाए, क्योंकि उस वक्त हम आजादी के लिए लड़ रहे थे। और उस वक्त ही एक मेन प्रॉब्लम थी कि उस वक्त जितने भी साबुन आते थे उनमें पशुओं की चर्बी यूज होती थी, और इंडिया में हमेशा से इस चीज के लिए थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि मरे हुए जानवरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर जो गोदरेज है उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट जो कि था स्वदेशी सोप, मतलब हमारे देश में बना हुआ सोप जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया था, वो लॉन्च किया, जिसका नाम था सिंथोल और गोदरेज नंबर वन, जो कि आज तक भी इंडिया में फेमस है। इस कंपनी की ऑथेंटिसिटी आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि जो उस वक्त गोदरेज के सोप्स आए उनके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्रनाथ टैगोर थे। आज इन्होंने कितने ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली गुड नाइट से लेकर ये मिसाइल्स में यूज होने वाले फ्रेम्स तक सब कुछ बनाते हैं। इनका नाम रियल एस्टेट घर का इंटीरियर बनाने, केमिकल कंपनी, डायरी कंपनी, सीसीटीवी कंपनी, बैंकों के वॉल बनाना और यहाँ तक कि मिसाइल्स के एयर फ्रेम्स बनाने तक में भी इनका नाम शामिल है। 24 नवंबर 2014, ये दिन तो आपको शायद याद ही होगा। इस दिन मंगलयान अपना सफर पूरा करके मंगल के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर गया था। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका विकास इंजन, इतने बड़े प्रोजेक्ट का विकास इंजन गोदरेज ने भी बनाया था। गोदरेज इसकी जो कंस्ट्रक्शन की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें शामिल था। इनफैक्ट ये ही नहीं, जो इंडिया का पहला मून मिशन था उसके लिए लॉन्च पैड और ऑर्बिटर भी गोदरेज के साथ मिलकर ही बनाया गया था। अर्शिर गोदरेज की खुद की कोई फैमिली नहीं थी, मतलब उनके आगे कोई बच्चे नहीं थे, तो उनके उनकी वाइफ के डेथ के बाद उनका पूरा बिजनेस जो कि गोदरेज एम्पायर है वो उनके भाई की फैमिली ही संभालती है। अभी रिसेंटली गोदरेज कंपनी ने मुंबई में स्थित आरके स्टूडियो खरीदा है, जहां पर श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी लेजेंडरी मूवीज बनी है। गोदरेज कंपनी हमेशा से लोगों की हेल्प करने में भी बहुत ज्यादा मानती है। इस कंपनी का 23% हमेशा चैरिटी को जाता है, जिसमें मुंबई के पास स्थित 1800 एकड़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका पूरा का पूरा ध्यान भी गोदरेज कंपनी के। सोच पूरी स्टोरी के हाइलाइट्स क्या हैं? मेरी तरफ से पहला हाईलाइट तो यही है कि एक अनसक्सेसफुल लॉयर कितना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। इनफैक्ट पहला बिजनेस तो उनका फिर भी फेल ही हुआ, लेकिन दूसरा बिजनेस उसमें इन्होंने कमाल कर दिया। तो इसलिए जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप हर फील्ड में एक्सेल करें, बल्कि एक्सीलेंस तो ये है कि आप ये ढूंढ सके कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही है। दुनिया में ताले तो पहले भी बनते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ताले बनाकर एक इतनी बड़ी कंपनी बना ली। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका आइडिया ही हमेशा यूनिक हो, इम्पॉर्टेंट इज कि आपका करने का तरीका भी यूनिक हो। तीसरी, अगर आपका प्रोडक्ट हल्का है तो आपको एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद ब खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा। जैसे गोदरेज की अलमारी, वो इतनी फेमस हुई कि उसको रखना ही इतना प्रेस्टीजियस होता था कि लोग खुद से बताते थे कि ये गोदरेज की अलमारी है। जैसे कि वन प्लस इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वन प्लस कभी भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में बिलीव नहीं करता, उनका मानना यही है कि आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओ वो खुद ब खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा। अगर आप वन प्लस की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं। सो अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियोज और नई नई केस स्टडीज मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।